सबका स्वागत करता हूँ फिर से अपनी वीडियो पे। मेरा नाम है प्रयास, आप देख रहे हैं फ्यूचर बिजनेस इंडिया चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों को पता है ग्लेस कंपनी को लेके ऐसे बहुत सारा फ्रॉड कॉल, जो बाहर से बहुत सारा फ्रॉड इंसान जो ग्लेस का डिस्ट्रीब्यूटर के पास अलग अलग तरीके से कॉल करके उसको परेशान करके उनसे जो पैसा है एटीएम से यानी बैंक से निकाल लेता है। तो आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का मुझे एक ही मकसद है। हाल ही में एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस तरीका से एक हालात हुआ, जो उनके पास एक कॉल आया जिनमें बताया गया है, जो मैं हेड ऑफिस के तरफ से यानी दिल्ली का जो हेड ऑफिस हम लोगों का ग्लेस का है, हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ और मैं चेतन हंडा सर का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। और आपका आईडी पे लगभग 10 या 20 हजार रुपया आया है, तो वो रुपया किस चीज के लिए दिया गया है वो भी वो इंसान बता रहा है। वो रुपया दिया गया है COVID-19 के लिए, सभी के आईडी पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं जब तक चेक कर रहा हूँ अपना आईडी पे आप अपनी बैंक खाता नहीं दास किया, इसके लिए मुझे आपको कॉल करना पड़ा। आप अपना बैंक डिटेल्स मुझे दे दीजिएगा, ये पैसा हम आप तक सेंड कर देंगे। जब ये लड़का उसके पास फोन किए, इससे पहले भी इस तरीके का फ्रॉड दूसरी डाउनलाइन के साथ भी हो चुका था, उन लोगों के पास थोड़ा नॉलेज है। तो उनका जो सीनियर बात किया, बोला जे आप कहाँ से बोल रहे हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो वो बोला जे मैं चेतन हंडा सर का असिस्टेंट बोल रहा हूँ या हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, जो भी कुछ बोलने लगा। तो मुझे बोला ठीक है बताइए मुझे करना क्या है। तो अब वो जो फ्रॉड जो इंसान था उनकी फोन में बताया है आपका एटीएम कार्ड का कुछ नंबर चाहिए, कुछ ओटीपी आपको मांगा जाएगा, इस चीज को सब कुछ देना है। लेकिन जो इंसान फोन पकड़े थे वो समझदार इंसान था, जिसके लिए डिटेल्स नहीं दिया। अगर वो डिटेल्स दिया होता होंगे तो उसके अकाउंट पे जो भी रुपया था उसको खा लिया जाता। क्योंकि इस तरीके से दोस्तों बहुत तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं ग्लेस कंपनी को लेके, जो कॉल के थ्रू आपको फ्रॉड किया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं ग्लेस कंपनी के तरफ से इसी तरीका किसी प्रकार किसी के पास कोई कॉल नहीं किया जाता है। और किसी प्रकार कोई कॉल करके भी आपको ये नहीं बताया जाता है कि मैं ग्लेस कंपनी के तरफ से बता रहा हूँ अपना आईडी पे इतना रुपया घुसा है, आप बैंक डिटेल्स दे दो। ग्लेस का जो पैसा लेने के लिए जो बैंक खाता सबमिट करने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो अपने आईडी लॉगिन करने के बाद आपको बैंक खाता सबमिट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात होता है अगर आप वहां से भी नहीं कर सकते तो आप ईमेल करके भी बैंक अकाउंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मुझे एक गुजारिश है, इस तरीके से फ्रॉड कॉल से दूर रहे। इस तरीके से अगर फ्रॉड कॉल आपके पास आता है ज्यादा बात ना करें, उसके डायरेक्टली ब्लॉक लिस्ट में नंबर कर दे। सबसे पहले एक बात हम आपको बता दे, कोई भी अननोन नंबर से अगर आपके पास फोन आते हैं, पहली बात वो नंबर से आप फोन रिसीव ना करें। पहली वाला वो नंबर आप ट्रू कॉलर बोल के एप्लीकेशन से उसमें जाके पहले सर्च करके देख लीजिएगा ये नंबर क्या है, सही या स्पैम वाला है। स्पैम अगर होगा तो उसमें रेड कलर का आ जाएगा स्पैम। स्पैम अगर आ जाता है तो आपको समझ लेना है ये फ्रॉड है, ठीक है। फिर भी उसके बाद अगर आप कॉल पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद भी आप नॉर्मली उनसे बात करें, लेकिन कभी भी आप अपना बैंक अकाउंट और डिटेल्स शेयर ना करें। बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ साथ बहुत सारे इंसान जो गलती कर लेते हैं अपना एटीएम, क्योंकि उन लोग इस तरीके से आपको बात करेगा, ये जो पैसा है ना एटीएम से एटीएम ट्रांसफर होगा, इस तरीके से बोलेगा आपको ये जो पैसा है एटीएम टू एटीएम ट्रांसफर होता है। तो इसलिए अपना एटीएम का जो नंबर है ऊपर में 16 डिजिट वो वाला मुझे बताइए, पीछे सीवीवी नंबर बताइए, एटीएम पिन बताइए, आपका ओटीपी नंबर बताइए। इस तरीके से क्या करेगा, अपना जो भी चीज है पैसा देने की लालच में आपसे वो निकाल लेगा और अपना जो भी अपना बैंक अकाउंट में 2000, 5000, 25000 जो भी आप इतना मेहनत करने के बाद वहां पे बैंक में रखे हैं वो पैसा उन लोग उठा लेगा। इस तरीके से फ्रॉड करने की वजह से कंपनी का बदनाम हो रहा है। बहुत सारे इंसान इस चीज को लेकर बोलते हैं कि ग्लेस कंपनी की तरफ से इतना रुपया मेरे तरफ से खा लिया। हम आपको दोबारा फिर से बताना चाहेंगे, जो ग्लेस कंपनी की तरफ से इसी प्रकार कॉल किसी को नहीं किया जाता है। ये कॉल अगर किसी ने आपको करता है तो एक किसी फ्रॉड इंसान ने करते होंगे, अपना डिटेल सबसे पहले किसी से भी निकाल लिए होंगे और निकाल लेने के बाद आपको वो फोन करके बोलते हैं। तो इस चीज से आप खुद को सुरक्षित रखें। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, इसी प्रकार किसी भी अगर कॉल आते हैं तो सबसे पहले आप उस कॉल को ट्रू कॉलर से वेरीफाई कर ले, ये नंबर सही है गलत। फिर भी ट्रू कॉलर अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी आप बात करें, लेकिन बैंक अकाउंट डिटेल्स एटीएम डिटेल्स किसी को भी आप शेयर ना करें। तो चलिए क्या हुआ था उस ऑडियो में, चलिए उस ऑडियो हम इस वीडियो के एंड में सुन लेते हैं, तब आपको पता चलेगा जो किस तरीके से उन लोग फ्रॉड करते हैं। तो चलिए एक छोटा इंट्रो के बाद हम ऑडियो को सुन लेते हैं। Thank you.
आईएमपीएस के थ्रू से। ओके सर, ओके। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, सभी पैसे आपको जमा होगा जो आपका खाते में सर। तो आपका कौन सा बैंक से खाता बना सर? मेरा तो अभी खाता तो उसमें अटैच नहीं किया। अटैच नहीं किया इसीलिए बोल रहे हैं सर। ये पैसा आपको जो 7,300 रुपया लॉकडाउन के माध्यम से आपको प्रॉफिट जो मिला है हमारी कंपनी के तरफ से, जो आईडी नंबर से आपको स्टडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से पैसा मिल रहा है। हाँ सर, आपको जो लॉकडाउन हुआ ना सर, इसके वजह से ये पैसे आपको दिया जा रहा है। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1974 है ना सर? मेरा वही है, बताइए। सर मैं बताना चाह रहा हूँ सर, ये आपको पैसा लेना है कि नहीं लेना सर? गोली गोली देवी आपको मम्मी है ना? अब बताइए, पैसा कहीं से मिलेगा इस स्थिति में? तो कौन ऐसा इंसान है जो नहीं लेना चाहेगा? सर ये पैसा आपको इसलिए मिल रहा है आपका प्रॉब्लम के वजह से। कंपनी वाले आपको हमारे मिस्टर चेतन हांडा इन संजीव छेबर द्वारा आपको ये पैसे कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टर है ना सर, उसके काम उससे बात हुआ, मोदी जी से उसका बात हुआ था। ओके, अच्छा, उसी इसी के वजह से आपको ये पैसे हमारे कंपनी से 2019 में जितना भी आदमी ज्वाइनिंग किया 2020 में वो लोग को मिल रहा है। ओके, ओके। 18, 17, 14, 15 ये सबको नहीं मिल रहा सर। तो आपका अजय कुमार पंडित आपका लड़का है ना, जो गारंटेड नॉमिन में रखे थे? हाँ, घोली देवी आपको मम्मी है सर? हाँ सर। एरिया पिन कोड आपका 82-54-13 है ना सर? हाँ। कांति आपका गांव है ना? हाँ। आपका स्टेट झारखंड ना? हाँ। तेलियाना दाम आपका जिला? हाँ सर। अभी आपका पैसा अभी 7,300 रुपया आईडी से आपको पेमेंट किया जा रहा है सर, एमपीएस के थ्रू से। ओके, तो ये एटीएम अकाउंट द्वारा आपको जमा किया जाएगा। तो खाता में एटीएम कार्ड बना आपका सर? बना तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी अप्लाई करेंगे लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद ये पैसा लेंगे आप ना? हाँ। नहीं तब लग मिलेगा सर आपको, आज ही की डेट में ये पैसा दिया जा रहा है सर, प्रॉब्लम की वजह से दिया जा रहा है। जैसे कि आपको मोदी जी आपको गैस के सिलेंडर भराने के लिए जो पैसा 800 करके औरत लोग को दे रही है, वैसे ही आपको 500 रुपया दिया था, उसी तरह ये पैसा अगर आज ही की सीमित में नहीं लेते हैं तो ये पैसा फिर से रिफंड हो जाएगा। ओके, तो अब आप चैतन हंडा सर का मोदी जी से बात हुआ था ना? हाँ। क्या बात हुआ था सर? यही कि सभी कंपनी से जो पैसे दिया है उन लोगों को थोड़ा मदद हो जाए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये पैसा आपको लेना है कि नहीं लेना सर? कंपनी से जो पेमेंट आपको रिफंड हुआ है लॉकडाउन प्रॉफिट जो 7,300 बना है, तो एटीएम खाता आपका घर में फैमिली में किसी का बना है सर? आप अभी मेरे नेटवर्क में 2 लड़के को फोन कर चुके हैं, अभी एक जस्ट कुछ देर पहले आप बात किए हैं, क्या नाम था? अनुज जी है ना? और हाँ। अभी मेरे ही नेटवर्क में आप फिर फोन किए हैं राजू जी को कि हाँ। ऐसे ऐसे मिल रहा है। आप कौन बताइए, आप कितने जन को अभी तक फोन कर चुके हैं? हाँ सर। हाँ हाँ, देखिए मेरा काम है पैसे जमा करना, हम पैसे जमा कर रहे हैं। ओके ठीक है सर, आपको नहीं लेना। इतना मारेंगे कि पैसा जमा करने से पहले तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीका से आप लोगों से फ्रॉड होता है, तो आप लोगों से मुझे गुजारिश है, इसी तरीका कॉल अगर आप लोगों के पास आता है तो इनसे आप दूर रहे, और साथ ही साथ आप खुद को सुरक्षित रखे। और साहब हम आप लोगों के और एक बात बताना चाहेंगे, इसी तरीका किसी प्रकार कोई कॉल अगर आपके पास आते हैं तो ये चीज आप अपने अपलाइन तक सेंड कर दे, जैसा इस तरीका से मेरे पास कॉल आया था, लेकिन किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना दे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करे, और इसी तरह बेहतरीन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। थैंक यू, गो गैलवे।